नवीनतम रिपोर्टों के अनुसार अयान मुखर्जी के निर्देशक ने 4 नवंबर को एक लोकप्रिय ओटीटी प्लेटफॉर्म पर एक रिलीज बुक की। फैंटेसी फिल्म डिज्नी हॉटस्टार पर दोपहर में शुरू होती है। यह रोमांचक अपडेट तब आया है जब क्रिएटर्स ने टिकट की कीमतों को लगभग 100 रुपए तक कम कर दिया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अधिक दर्शकों को बड़ी स्क्रीन पर आश्चर्यजनक दृश्यों को देखने का मौका मिले। आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा की तरह, जिसने नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने पर कई दर्शकों को आकर्षित किया, ब्रह्मास्त्र से भी दर्शकों को प्रसन्न करने की उम्मीद है जब यह स्ट्रीम के लिए उपलब्ध हो जाएगा। इस पर आधिकारिक घोषणा आने वाले हफ्तों में होने की उम्मीद है। मौनी रॉ, यह मुझे अपनी नवीनतम फिल्म में अपनी भूमिका के लिए मिली प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं थी। इसकी रिलीज में कई बाधाओं के बावजूद ब्रह्मास्त्र 2022 की 5वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बनकर उभरी है। पहली स्क्रीन पर चिन्हित की गई फिल्म रणबीर और आलिया की जोड़ी ने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर करीब 43 करोड़ रुपए की कमाई की।